जब से श्री महाप्रभु जी गृह त्याग करके गए हैं आज लगभग 5 वर्ष हो गए हैं। शची मैया को गौर का मुख देखे और विष्णु प्रिया जी की तो कैसी स्थिति है, बस कंचन माला और अमिता नाम की सखी यही किसी प्रकार विष्णु प्रिया जी को संभालती हैं और शची मैया तो उन्मादनी सी रहती हैं, बस हर समय रो रो कर हा गौरांग हा गौरांग हा गौरांग कहकर विलाप प्रलाप करती हैं। और विष्णु प्रिया जी का विरह उसको कौन वर्णन कर सकता है। ओह वो तो जोर से रो भी नहीं सकती कि मैं यदि रोऊंगी तो शची मैया भी रोने लगेंगी और मेरे स्वामी कह गए हैं कि मेरी माता की सेवा करनी है, मेरी माता को संभालना है, तो रोती भी नहीं है। और भीतर कोठरी में जो कठिन साधना महाप्रभु जी कहकर गए हैं, अंधेरे में विष्णु प्रिया स्नान करती हैं, उनको महाप्रभु जी के जाने के बाद विष्णु प्रिया जी को कोई देख नहीं पाया, इतना गोपनीय रूप में उन्होंने भजन किया है। अरे कोई नहीं, सूर्य भी विष्णु प्रिया जी के दर्शन नहीं कर पाए, अंधेरे ही स्नान करके कोठरी में चली जाती हैं। और फिर वही चावल का पात्र लेके बैठती हैं और एक एक चावल का दाना उठाती हैं और हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे, फिर चावल का फिर दूसरा चावल का दाना उठाती हैं, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ऐसे एक दो घंटा नहीं, श्री चरितामृत में लिखा है 3 प्रहर, 3 प्रहर माने 9 घंटे अहिर्निश रोते हुए के चावल के दाने को उठाकर नाम जप करते पवित्र करती हैं। और फिर 3 प्रहर पश्चात उसी चावल की रसोई बनाती हैं, महाप्रभु को भोग धरती हैं, उसी प्रसाद में से शची मैया को भोजन कराती हैं, उसी में से जो द्वार पर ईशान नामक सेवक है उसको प्रसाद दे देती हैं, उसी में से कोई ब्राह्मण अतिथि वैष्णव आते हैं उनको देती हैं और जो बचा होता है उसको पाती हैं। सोचिए एक एक दाना करके नाम जब कोई करे तो शाम तक कितने चावल होते होंगे और उसमें से भी इतने लोगों का भाग, बस सास बहू उसी प्रसाद को पाके रहती हैं। और प्रसाद भी पाने का कारण यही है कि कभी गौर आए और हम लोग उनसे पहले आने से पहले शरीर छोड़ दें तो उनकी सेवा कौन करेगा, उनको जल के लिए कौन पूछेगा।